गुलबर्गा शरीफ में भी दुआ कबूल हो जाती है। वहां एक बुजुर्ग हैं बंदा नवाज येसु दराज, ये एक रोज तकरीर फरमा रहे थे। क्या कर रहे थे? तकरीर फरमा रहे। जल्दी बोलो क्या कर रहे थे? तकरीर तकरीर कर रहे थे। और दौरान तकरीर एक आदमी आया और आकर एक आदमी जो है वो बीच मजमे में खड़े होकर कहने लगा, अगर आप हमें इजाजत दे दे तो हम भी एक दो जुमला बोलते। हजरत बंदरवाज गेसु दराज ने इरशाद फरमाया, हाँ अगर कुछ कहना चाहते तो तुम भी कहो। तो वो कहने लगे, ठीक है, आप बड़ी अजमतों वाले हैं, आप अपने करामात और अपने इख्तियारात और अपने फजाइल बयान कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी जिनको मैं चाहता हूँ, जिनको मैं मानता हूँ, जिनके सिलसिले से मैं मुंसलिक हूँ, उनका हाल ये है, जब माँ उनकी उंगली पकड़कर लेकर बचपन में उस्ताद के यहाँ ले गई थी तो उस्ताद की बारगाह में बैठे हजरत अब्दुल कादिर जिलानी अभी छोटे ही हैं, 4 साल की उम्र है, और माँ लेके उस्ताद के पास पहुंची तो उस्ताद ने कहा, बेटा पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम और उसके बाद पढ़ना शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पढ़ते पढ़ते अलिफ लाम मीम ज़ालिकुल किताबु ला रैब फीह, पहला पारा पढ़ा, दूसरा पारा पढ़ा, तीसरा पारा पढ़ा, चौथा पारा पढ़ा, पांचवा पारा पढ़ा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, दसवां, ग्यारहवां, बारहवां, इस तरह से पढ़ते पढ़ते तकरीबन 18 पारे पे जब पहुंचे तो उस्ताद कहने लगे, रुको 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 रुको, अभी तक तो अब्दुल कादिर पढ़ते न थे और जब पढ़ना शुरू किया तो रुकते न थे। उस्ताद कहने लगे, साहब ज़ादे पढ़ने आए हो कि पढ़ाने आए? भाई जिंदाबाद सुभान अल्लाह। साहिबजादे पढ़ने आए हो या पढ़ाने आए? पढ़ने आए हो कि पढ़ाने आए हो? ये इतना पारा तुमने कहां से याद कर लिया? तो अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, मेरी माँ 18 पारे की हिफ्जानी है, वो जब काम करती है सुबह को तो कुरान की तिलावत भी शुरू कर देती है, इधर काम करती रहती है इधर तिलावत करती रहती है और 18 पारे रोजाना खत्म करती है। मैं माँ के पेट में रोजाना 18 पारे सुना करता था, माँ पढ़ती रहती थी मैं सुनता रहता था। अब्दुल कादिर ने सुनते सुनते 18 पारे याद कर लिए हैं। सुभान अल्लाह। जैसे ही इस आदमी ने यह बात कही, बंदा नवाज येसु दराज के चेहरे पे तब्दीली आई और आकर कहने लगे, अगर अब्दुल कादिर जिलानी बहुत बड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है वो बहुत बड़े हैं, लेकिन हम भी तो कुछ हैं, हम भी कुछ हैं, जैसे कहा हम भी कुछ हैं। और किसके मुकाबले में कहा था? गौसे आज़म। आप सब कुछ हैं ये ठीक है, लेकिन मुकाबला कभी गौसे आज़म से मत करना। नहीं कर। आप सब कुछ हैं लेकिन मुकाबला कभी आला हजरत से मत करना। आप सब कुछ हैं लेकिन मुकाबला कभी ताजुश शरीयत से मत करना। आप सब कुछ हैं लेकिन मुकाबला कभी शाहे अब्दुल कादिर बदायूनी से मत करना। आप सब कुछ हैं लेकिन मुकाबला शराफत मियाँ से मत करना। आप सब कुछ हैं लेकिन मुकाबला सकलैन मियाँ से मत करना। ये बात, आज सब कुछ है ठीक है, हम मानते हैं आपको सब, लेकिन बुजुर्गों के मुकाबले पे कोई बात कहने की जरूरत नहीं है। इन्होंने बुजुर्गों के मुकाबले में ये जुमला निकल गया इनकी जुबान से, हम भी तो कुछ हैं। बस इतना कहना था, इनकी विलायत सलब हो गई, इनकी करामत छीन ली गई। अब देखो बंदा नवाज येसु दराज की जैसे ही करामत छीनी तो अपने ऊपर गौर करते हैं तो खाली खाली नजर आता है, अपने बिल्कुल खाली नजर आ रहे हैं। जैसे गौर किया खाली, अभी तक तो जमीन की तरफ देखते थे तहत सरा नजर आता था, आसमान की तरफ देखते थे अर्श आजम तक दिखाई देता था, लेकिन जैसे ये जुमला अब्दुल कादिर के मुकाबले में जुबान से निकला अब सब कुछ दिखना बंद हो गया, बिल्कुल खाली हो गया, करामतें सलब हो गई, विलायत छिन गई। किसने छीनी जानते हो? सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी। जब कुछ नजर नहीं आया और जब कुछ दिखाई नहीं दिया, बिल्कुल खाली हो गए बंदरवाज गए सुदरा, ये कौन ले गया करामतें? ये किसने छीन ली हमारी विलायत? ये किसने सलब कर लिया हमारे इख्तियारात? परेशान हो गए, कोई नजर नहीं आया तो अपने पीर को आवाज लगाने लगे और गुलबरगा में बैठे बैठे चिल्ला कर कहने लगे, ए मेरे पीर, अब तो मैं खाली हो गया, कोई नहीं मेरा जो मदद करे, आप ही मेरी मदद करने आ जाइए। भाई इतना कहना था, देखते ही देखते नसीरुद्दीन चिराग देलवी दिखाई दे। जिंदाबाद, बहुत बढ़िया वाक्य है।
बहुत ही लाजवाब। एक लम्हे में नसीरुद्दीन चिराग देहलवी नजर आने लगते हैं। अब वो खानकाह हमें नसीरुद्दीन चिराग देहलवी आ गए। जैसे ही आए फरमाया क्या बात है, क्यों चिल्ला के हमें याद कर रहे थे? अर्ज करने लगे हुजूर विलायतें छिन गई हैं, करामतें छिन गई हैं, किसने छीनी है? कहा ये तो मुझे नहीं पता, अलबत्ता इतना जरूर है कि मेरी जुबान से ऐसा जुमला निकल गया, हजरत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी ने मुराकबा किया, और जब मुराकबा किया तो नजर आया, दिखाई दिया कि अब्दुल कादिर जिलानी ने विलायतें छीनी हैं, उन्होंने करामतें छीनी हैं, और हजरत गौसे आजम जलाल में थे। क्या तुम्हें नहीं मालूम बंदा नवाज गैसु दराज तुम्हारी करामतें और तुम्हारी विलायत अब्दुल कादिर जिलानी ने सलब कर ली है? हजरत जैसे ही कहा अब्दुल कादिर ने सलब की है तो बंदा नवाज गैसु दराज अपने पीर मुर्शिद से कहते हैं हुजूर मेरी करामतें वापस करवा दीजिए, मेरी विलायत मुझे दिलवा दीजिए। बंदा नवाज गैसु दराज के मुर्शिद हजरत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी कहते हैं इस वक्त अब्दुल कादिर जिलानी जलाल में हैं, और जब वो जलाल में होते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं है उनसे कुछ बोल सके या उनके सामने चला जाए। तुम्हें मालूम नहीं है अब्दुल कादिर जब जलाल में होते हैं और अपना सर उठाते हैं तो आसमान में उड़ती हुई चील सर तन से जुदा होकर जमीन पे आके गिर जाती है। एक नजर देख ले अब्दुल कादिर। हुआ यूं था अब्दुल कादिर तकरीर कर रहे थे, गौसे आजम तकरीर कर रहे थे, और चील आकर ऊपर से शोर मचा रही थी, और जब ची 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 कर रही थी तो लोग डिस्टर्ब हो रहे थे और चील की तरफ देख रहे थे। गौसे आजम को गुस्सा आ रहा था, मैं तकरीर करता हूँ और चील लोगों की तवज्जो हटा देती है। बस जलाल में जब देखा तो चील के दो टुकड़े हो गए, गर्दन तन से जुदा हो गई, और आकर आपके दरबार में आपके तख्त के करीब में आके कुर्सी के पास के ढेर हो गई। तकरीर चलती रही, और जब तकरीर मुकम्मल हो गई अब्दुल कादिर जिलानी अपने तख्त से उठे, कुर्सी से उतरे, चील के करीब पहुंचे, उसकी गर्दन को उसके सर से जोड़ दिया और कुंबे इज़्नल्लाह कह दिया। चील चहचहाती ही फिर से फजाओं में उड़ती चली जाती है, फिर से उड़ती चली जाती है। कहर ऐसा कि जुदा चील का सर तन से था, कहर ऐसा कि जुदा चील का सर तन से था, और महर ऐसा कि उड़ा देते हैं गौसे आजम, महर ऐसा के उड़ा देते हैं गौसे आजम। हजरत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी कहते हैं ये ठीक है अब्दुल कादिर जिलानी ने करामतें सलब की हैं, लेकिन इस वक्त वो जलाल में है, जलाल में मैं तो उनसे कुछ कहूंगा नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है। कहा हुजूर फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, आप बताएं क्या होगा? अगर आप वापस नहीं करा सकते करामतें तो कम से कम अपने पीर ही को बुलवा दीजिए, अपने पीर मुर्शिद ही को बुलवा दीजिए। और उसके बाद नसीरुद्दीन चिराग देहलवी ने अपने पीर को आवाज लगाई, पीर मुर्शिद को आवाज लगाई, देखते ही देखते गुलबरगा में हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही जलवा फरमा हो। निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही जलवा फरमा हो जाते हैं। जैसे ही महबूब इलाही सामने आए ये दोनों बुजुर्ग खड़े होकर अर्ज करने लगे हुजूर का कैसे याद किया? का हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी ने बंदा नवाज गैसु दराज की करामतें छीन ली हैं, सलब कर ली हैं, ये खाली हो गए, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, इनकी करामतें वापस करवाना है, अब्दुल कादिर से सिफारिश करना है। हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने मुराकबा किया, अपनी गर्दन को झुकाया, देखा तो अब्दुल कादिर जिलानी जलाल में थे, नाराज थे, आंखें खोल कर कहने लगे इस वक्त अब्दुल कादिर जिलानी जलाल में हैं, और जब वो जलाल में होते हैं तो मुर्दों को जिंदा कर, जिंदों को मुर्दा कर देते हैं, और जब महर पे होते हैं खुश होते हैं तो मुर्दों को जिंदगी अता फरमा देते हैं। क्या तुम्हें नहीं मालूम, क्या नहीं मालूम आपको, एक नौजवान लाया गया था और ये कहा गया था इसका जनाजा पढ़ा दो, अब्दुल कादिर ने कहा जनाजा किसी और से पढ़वा लो, कहा नहीं हुजूर आप ही जनाजा पढ़ा दीजिए। अब्दुल कादिर फरमाते हैं अब्दुल कादिर हमेशा मुर्दों का जनाजा पढ़ाता है। कहा हुजूर मुर्दा ही तो है, उसका जनाजा आपको पढ़ाना है। कहा मैं कहता हूं ना किसी और से पढ़वा लो। नहीं हुजूर आप ही से पढ़ाना है। मामला ये था, ये प्लानिंग करके नौजवान को लाया गया था, हम तुझे चारपाई पे लिटा देते हैं, जब अब्दुल कादिर जिलानी नमाज जनाजा की नीयत बांध लें अल्लाह हू अकबर कह दें तो उठ के बैठ जाना, हम पीछे से आवाजें कसना शुरू कर देंगे, अब्दुल कादिर की विलायत का मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे, धज्जियां बिखर जाएंगी अब्दुल कादिर जिलानी
जिलानी की, मजाक उड़ के रह जाएगा अब्दुल कादिर जिलानी की। उनकी तौहीन करने के इरादे से एक जनाजा तैयार करके लाया गया, नौजवान जिंदा उसके ऊपर लिटाया गया, चादर डाल दी गई, अब्दुल कादिर के सामने खड़ा कर दिया गया। गौसे आजम मदरसा निजामिया की जामा मस्जिद से, बगदाद की जामा मस्जिद से नमाज पढ़ा के बाहर आए, जनाजा तैयार था, हुजूर नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। अब्दुल कादिर कहते हैं किसी और से पढ़वाई, नहीं हुजूर आपसे पढ़वाने का इरादा है। ठीक है, मुझसे पढ़वाने का इरादा है। जनाजे के सामने बड़े मुसल्ला बिछाया गया, अब्दुल कादिर मुसल्ले पे खड़े हो गए और उसके बाद फरमाया सफें दुरुस्त हो गई। हाँ सफें दुरुस्त हो गई, तो क्या मैं नमाज जनाजा की नियत कर लूं? हाँ नमाज जनाजा की नियत कर लो भाई, इतना कहना था। अब्दुल कादिर ने नमाज जनाजा की नियत कर ली, नबैतु अन उद्दिया लिल्लाह तआला अरबा तकबीरात सलात जनाजा अस्सनाउ लिल्लाह तआला व दुआउ लिहाजिल मय्यत अस्सलामु लिल्लाहि तआला व दुआ लिहाजिल मय्यत मुतवज्जहन इला जिहत काबतिश शरीफा। अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर कह के गौसे आजम ने नियत बांध ली। जब नियत बांधी तो पीछे लोग सफ में ये सोच रहे थे अब नौजवान उठ के खड़ा हो जाएगा, अब गौसे आजम का मजाक बन के रह जाएगा। पहली तकबीर हो गई थी, नौजवान नहीं उठा। अब दूसरी तकबीर अब्दुल कादिर जिलानी ने कह दी, नौजवान नहीं उठा। बाप गुस्से में है, चचा गुस्से में है, पड़ोसी गुस्से में है, अब्दुल कादिर जिलानी के दुश्मन गुस्से में है, ये नौजवान उठता क्यों नहीं, प्लानिंग के मुताबिक काम करता क्यों नहीं? इससे कहा था तकबीर जब हो जाए तो तू उठ के बैठ जाना, हम हल्ला कर देंगे, चिल्लाने लगेंगे, मजाक उड़ाने लगेंगे, ये उठकर क्यों नहीं बैठ रहा है? दो तकबीरें हो गए नहीं बैठा, तीन तकबीरें हो गए नहीं उठ के बैठा, चौथी तकबीर हो गए नहीं उठ के बैठा। और अब अब्दुल कादिर जिलानी ने अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह सलाम फेर दिया। जैसे ही सलाम फेरा सफ में से निकल के बाप आया, चादर को उठाया, बेवकूफ लड़के जो प्लानिंग के तहत बताया गया था वो तूने क्यों नहीं किया, तकबीर के साथ खड़ा क्यों नहीं हुआ, चादर उठाई देखा तो जिंदा नहीं मुर्दा था, मुर्दा लेटा हुआ था। अब्दुल कादिर के कदमों में सारे नमाजी गिर पड़े, बाप गिरा, चचा गिरा, भाई गिरा, ताया गिरा। अब्दुल कादिर गजब हो गया, ये क्या हुआ? गौसे आजम फरमाते हैं ये ठीक है, अल्लाह ने मुझे ये इख्तियार अता फरमाया है कि मैं मुर्दों को अल्लाह के हुक्म से जिंदा कर देता हूँ, लेकिन इसकी तो मैंने नमाज जनाजा पढ़ा दी है और मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। अब्दुल कादिर मुर्दों की नमाज जनाजा पढ़ाता है, अब ये कयामत से पहले उठ नहीं सकता है। अब ये कयामत से पहले नहीं उठ सकता है। हजरत हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब-ए-इलाही कहते हैं जब अब्दुल कादिर जिलानी जलाल में होते हैं तो जिंदे को मुर्दा कर देते हैं। मैं तो सिफारिश इस वक्त नहीं कर पाऊंगा, हाँ अलबत्ता इतना जरूर हो जाएगा अगर आप कहें तो अपने पीर मुर्शिद को बुला दूंगा, अपने पीर को आवाज लगा दूंगा, अपने पीर को बुला लूंगा। का हुजूर तो अपने पीर ही को बुला लीजिए। और निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही ने वहीं गुलबर्गा की सरजमीन पर अपने पीर को आवाज लगाई, देखते ही देखते हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर जलवा फरमा हो जाते हैं। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर जलवा फरमा हो जाते हैं और हजरत बाबा फरीद आए तो लोगों से कहने लगे क्या बात है, क्यों याद किया, किस लिए बुलाए? का हुजूर बंदा नवाज गेसु दराज की करामतें चली गई, अब्दुल कादिर जिलानी ने सलब कर लिया, आपको सिफारिश के लिए बुलाया है, इनकी करामतें वापस करवा दीजिए। हजरत बंदा नवाज गेसु दराज की करामतें वापस करवाने के लिए जैसी सिफारिश की गई हजरत फरीदुद्दीन गंजे शकर से, आपने मुराकबा किया। अब मुराकबा करने के बाद कह रहे अब्दुल कादिर जिलानी तो इस वक्त बड़े जलाल में हैं, और जब वो जलाल में होते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं है कि उनसे कोई कुछ पूछ सके या उनसे कोई कुछ कह सके या उनसे कोई सिफारिश कर सके, किसी की हिम्मत नहीं है। लेकिन जब जमाल में होते हैं, अच्छे मूड में होते हैं तो जो चाहो करवा लो, जो चाहो करवा लो, जो चाहो करवा लो। जब जलाल में होते हैं तो कब्रिस्तान से गुजरते हैं और गुजरते हुए एक आवाज लगाते हैं, मुर्दो तुम भी उठ के भागो, नाना पीछे पीछे आते हैं। भाई एक जुमला बोलना होता है, कब्रिस्तान के सारे मुर्दे उठ उठकर भागने लगते हैं। हजरत वो कहने लगे बाबा फरीद इस वक्त वो जलाल में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, न मैं सिफारिश कर पाऊंगा, हाँ अगर आप कहें तो मैं अपने पीर को बुला दूंगा, अपने पीर मुर्शिद का आवाज लगा दूंगा। ठीक है पीर, अपने पीर ही को बुला दीजिए, अपने मुर्शिद ही को आवाज लगा दीजिए। अब बाबा फरीदुद्दीन ने वहीं से आवाज लगाई अपने पीर मुर्शिद को, देखते ही देखते हजरत ये दिल्ली
कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह जलवा फरमा हो जाते हैं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जब आए, क्या बात है, क्यों बुलाया, किस लिए बुलाया? हुजूर ऐसे से मामला है, बंदर आवाज गैसुदराज की करामतें अब्दुल कादिर ने सलम कर ली, आप सिफारिश कर दीजिए ताकि इनकी करामतें वापस हो जाए। आपने मुराकबा किया तो पता चला कि मुराकबे अब्दुल कादिर जिलानी जलाल में, मैं इस वक्त सिफारिश नहीं कर सकता, वो जलाल में है, जब वो जलाल में होते तो हिम्मत नहीं किसी की कोई कुछ कह सके या सिफारिश कर सके। हाँ अगर आप कहें तो मैं अपने पीर को बुला दूंगा, अपने पीर का आवाज लगा सकता हूँ। ठीक है अपने पीर ही को बुला दीजिए। और उसके बाद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अपने पीर को आवाज लगाई, देखते ही देखते गुलबर्गा में मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जलवा फरमा हो जाते हैं। मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जलवा फरमा हो जाते हैं। एक बात यही मैं दुनिया वालों को बता देना चाहता हूँ, औलिया अल्लाह को हम पुकारते हैं अपनी मदद के लिए, हम उनसे इस्तिमदाद तलब करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। कई सौ साल पहले, तकरीबन 810 साल पहले की बात है, औलिया अल्लाह के अकीदे को पुकारने को जायज समझा जाता था। हजरात जो औलिया अल्लाह के पुकारने के अकीदे को जायज समझता था उसे कुतुबुद्दीन कहते हैं, और जो फौरन मदद करने आ जाए उसे मुइनुद्दीन कहते हैं। क्या बात है, करने के लिए, मदद करने के लिए आ गए हजरत मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी। और जैसी मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी आए, कहा क्या बात है, कहा बंदर नवाज गैसुदराज की करामतें सलब हो गई हैं, आप जरा सिफारिश करवा के इनकी वापस करवा दी, अब्दुल कादिर जिलानी ने सलब की है। हजरत वह इतना कहना था, जैसे ही मुराकबा किया पता चला अब्दुल कादिर नाराज है, कल इस वक्त वो जलाल में है, जब वो जलाल में होते हिम्मत नहीं किसी की कोई उनसे कुछ कह सके, मैं ये सिफारिश नहीं कर सकता। हाँ अगर आप तो अपने पीरो मुर्शिद को बुला दूंगा, का अपने पीर ही को बुला दीजिए। और उसके बाद अपने पीर का आवाज लगाई, देखते ही देखते गुलबर्गा में हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी जलवा फरमा हो जाते हैं। ख्वाजा उस्मान हारूनी जलवा फरमा हो जाते हैं। और उसके बाद बस आखिरी तकरीर है, ख्वाजा फरमा है, ख्वाजा उस्मान हारूनी जलवा फरमा हो जाते हैं। हजरत जैसे ख्वाजा उस्मान हारूनी आए, सब लोग उठ के खड़े हो गए, क्या बात है, अब्दुल कादिर जिलानी ने करामतें बंदर नवाज गैसुदराज की सलब करनी है, आप सिफारिश कर दें ताकि इनकी करामत वापस हो जाए। हजरत उस्मान हारूनी ने मुराकबा किया तो कहा कि अरे इस वक्त तो अब्दुल कादिर बड़े जलाल में है, वो जब जलाल में होते किसी की हिम्मत नहीं है कोई कुछ कह सके, लब कुशाई कर सकते, मैं सिफारिश नहीं कर सकता। हाँ अलबत्ता इतना जरूर हो सकता है, अगर आप कहें तो मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में इस्तिगासा कर सकता हूँ। वह इतना कहना था, सरकार को याद किया, देखते ही देखते गुलबर्गा में मुस्तफा जाने रहमत जलवा फरमा हो जाते हैं। गुलबर्गा में खानकाह है बंदा नवाज की, अर्श निशान है, कितनी अजमतों वाला है, एक वली से लेकर के आखिरी सिलसिले मुस्तफा जाने रहमत भी जलवा फरमा। सब लोग उठकर खड़े हो गए ताजीम के लिए, किस लिए बुलाया, इसलिए बुलाया अब्दुल कादिर जिलानी ने इनकी करामतें सलब करनी है, सिफारिश के लिए बुलाया है, आप सिफारिश कर लें और इनकी वापस करवा दे करामतें विलायतें, हजरत अब्दुल कादिर जिलानी की से करामतें वापस करवा दें। सरकार फरमाते हैं वो मेरा लाडला बेटा है, वो मेरा लाडिला शहजादा है, मैं उसे बहुत चाहता हूँ, वो भी मुझे बहुत चाहता है, लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी जब जलाल में होता है, मुझे कुछ कहलवाना होता है या कुछ करवाना होता है तो मैं उससे नहीं कहता हूँ, बल्कि अपनी बेटी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा से कहता हूँ। खातून जन्नत उसकी माँ है, माँ का कहना अब्दुल कादिर नहीं टालता है, याद रखना माँ का कहना कौसे आजम ने कभी नहीं टाला, इसलिए अल्लाह ने उन्हें अब्दुल कादिर बनाया। है माँ की इज्जत हमेशा करना चाहिए, माँ का कहना कभी नहीं टालना चाहिए। सरकार अलैहिस्सलाम से लोग कहने लगे तो ठीक है फिर खातून जन्नत फातिमा जहरा ही से इरशाद फरमा दिया जाए, और खातून जन्नत को आवाज लगाई, पर्दा करवाया गया, देखते ही देखते खातून जन्नत अपने वालिद बुजुर्ग बार के सामने नबी दोजहां के सामने जलवा फरमा हो जाती है। बेटी खातून जन्नत अब्दुल कादिर जिलानी ने बंदा नवाज गैसु दराज की करामतें सलब कर ली है, इनकी करामतें वापस करवा दीजिए। खातून जन्नत फरमाती हैं, बेटा अब्दुल कादिर, शहजादा अब्दुल कादिर, इनकी करामतें वापस कर दीजिए। जैसे ही खातून जन्नत फातिमा जहरा ने गौसे आजम से इरशाद फरमाया बंदा नवाज की करामतें वापस कर दो, अब्दुल कादिर कहते हैं मेरी माँ फातिमा जहरा, आपका इरशाद मैंने कभी नहीं टाला, मैं इनकी करामतें वापस कर रहा हूँ, जो इनकी करामत थी वो भी मैंने इन्हें दे दी, एक विलायत अपनी तरफ से अता कर दी है, एक विलायत
और अपनी तरफ से अता कर दी है। लिहाजा पूरे हिंदुस्तान के वलियों में एक वली के अंदर एक ही करामत है, एक ही विलायत की पावर है, लेकिन बंदा नवाज गेसू दराज के अंदर दो वलियों की पावर है। ये गौसे आजम की शान है। आला हजरत फरमाते हैं शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। इसी मौके पे आला हजरत ने कहा था और बंदा नवाज गेसू दराज ही के लिए आला हजरत ने कहा था शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। खिजर के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा, मजरे चिश्त बुखारा और इराको अजमेर कौन सी किश्त पे बरसा नहीं छाला तेरा। और हरमो तैबो बगदाद जिधर कीजे निजा जोत पड़ती है तेरी नूर है छनता तेरा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा।